दोस्तों, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुंदर अभिनेत्रियां हुई हैं। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो उनमें से ही एक है। उन्होंने खुद को बॉलीवुड में तब साबित किया था जब फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली माधुरी दीक्षित भी एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर स्ट्रगल कर रही थी। ये अदाकारा अपने समय में काफी पॉपुलर रह चुकी है और अपनी खूबसूरती के लिए काफी तारीफें भी बटोरी है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये एक्ट्रेस एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी थी, जिन्होंने अपनी डांसिंग स्किल्स के बल पर दर्शकों का दिल जीता था। आज के हमारे इस वीडियो में हम बॉलीवुड के जिस कलाकार की बात करने जा रहे हैं उनमें एक अच्छी अभिनेत्री होने के सभी गुण मौजूद थे। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की। मीनाक्षी ने अपनी प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड के ए लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया था। बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर सुभाष घई से लेकर राजकुमार संतोषी तक मीनाक्षी की प्रतिभा के कायल थे, पर एक से बढ़कर एक फिल्में देने के बाद भी मीनाक्षी अचानक ही पर्दे से गायब हो गई थी। दोस्तों, आज की हमारी कोशिश रहेगी आपको दामिनी फिल्म की मेन लीड मीनाक्षी शेषाद्री के जीवन से रूबरू करवाने की। आज हम इस वीडियो में अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि मीनाक्षी आजकल कहाँ है और क्या कर रही है। तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें हमारे साथ। मीनाक्षी का असली नाम शशि कला शेषाद्री है। इनका जन्म झारखंड के सिंदरी में 16 नवंबर सन 1963 को हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी झारखंड से ही पूरी की है। मीनाक्षी बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थी। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही मिस इंडिया का खिताब जीता था। इनके करियर से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड स्टार मनोज कुमार ने एक विज्ञापन में इनकी तस्वीर को देखकर इन्हें लॉन्च करने का मन बनाया था, जिसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे मीनाक्षी के लिए खुल गए। इस तरह मीनाक्षी की पहली फिल्म बनी पेंटर बाबू। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई, पर बड़े बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स की नजरों में मीनाक्षी की काबिलियत सामने आ चुकी थी। अब हम आपको बताते हैं मीनाक्षी के करियर की सबसे फेमस फिल्म हीरो उन्हें कैसे मिली। हुआ यूं कि डायरेक्टर सुभाष घई ने मीनाक्षी की फिल्म पेंटर बाबू के कुछ अंश देखे थे। यहां घई को उनका काम बहुत पसंद आया था, तभी उन्होंने मीनाक्षी को फिल्म हीरो के लिए साइन करने का मन बनाया था। भले ही फिल्म पेंटर बाबू से मीनाक्षी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी थी, पर फिल्म हीरो में भी उन्हें एक नए कलाकार के तौर पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। मीनाक्षी नाम बदलने के पीछे का कारण भी सुभाष घई से जोड़ा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मनोज कुमार ने उन्हें अपना नाम बदलने की सलाह दी थी, पर कुछ मानते हैं कि सुभाष घई ने शशिकला से उनका नाम मीनाक्षी कर दिया था। दोस्तों, सन 1983 में आई सुभाष घई की फिल्म हीरो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। मीनाक्षी और जैकी श्रॉफ की जोड़ी दर्शकों की पहली पसंद बन गई थी और इस तरह मीनाक्षी अपनी दूसरी ही फिल्म से एक बॉलीवुड स्टार बन चुकी थी। पर दोस्तों, आगे चलकर सुभाष घई के साथ मीनाक्षी का तालमेल लंबे समय तक नहीं चला। फिल्म हीरो के बाद मीनाक्षी ने सुभाष की फिल्म मेरी जंग में काम किया, पर सुभाष घई की शर्तों से किनारा करते हुए मीनाक्षी ने उनके साथ आगे कभी काम नहीं किया। एक कारण ये भी बताते हैं कि तब तक सुभाष की फिल्मों में मीनाक्षी की जगह माधुरी ने ले ली थी। पर इन सब के बावजूद मीनाक्षी का करियर उस वक्त ऊंचाइयों पर जा पहुंचा था। वो हर साल कम से कम 8 से 10 फिल्में किया करती थी। उस वक्त के सारे टॉप एक्टर्स के साथ काम करने वाली मीनाक्षी अपनी खूबसूरती और डांसिंग स्किल्स की बदौलत दर्शकों की पसंद बन चुकी थी। अनिल कपूर, ऋषि कपूर, सनी देओल आदि के साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय थी। कभी अपने समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही मीनाक्षी ने कई हिट फिल्में दी। उन्हीं में से कुछ हैं हीरो, स्वाति, दामिनी, डकैत, परिवार, शहंशाह, आवारगी, घायल, महादेव, घर हो तो ऐसा, सत्यमेव जयते, जुर्म, घातक जैसी फिल्में। फिल्म घातक 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद मीनाक्षी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। कहते हैं मीनाक्षी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों को संभालने के लिए फिल्मी दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। 13-14 सालों के एक बेहद सफल करियर के बाद मीनाक्षी ने अपनी गृहस्थी के लिए बॉलीवुड की चमक दमक छोड़ दी थी, पर पति और बच्चों के साथ अमेरिका सेटल होने के बाद भी मीनाक्षी ने डांस से जुड़े अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अमेरिका में चेरिश डांस स्कूल नाम का एक डांस स्कूल खोला था, जिसे अपने परिवार के साथ रहकर मीनाक्षी आज भी चला रही है। दोस्तों, डांस मीनाक्षी के लिए सबसे बड़ा पैशन था। आपको बता दें कि सन 1990 में हुए खजुराहो डांस फेस्टिवल में भी मीनाक्षी ने एक बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस दी थी।
बात मीनाक्षी के परिवार की करें तो इनका परिवार एक तमिल ब्राह्मण परिवार है। इनके परिवार वालों ने इन्हें भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे नृत्यों में ट्रेनिंग दिलवाई थी। मीनाक्षी के माता पिता का नाम तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, पर आपको बता दें कि इनके पिता सिंदरी फर्टिलाइजर्स में काम किया करते थे, जबकि माँ एक गृहिणी थी। इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम निम्मी है। दोस्तों, सन 1995 में मीनाक्षी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली थी। इनकी शादी न्यूयॉर्क में हुई थी। शादी से पहले मीनाक्षी का नाम बॉबी देओल, कुमार शानू जैसे बॉलीवुड नामचीन हस्तियों से भी जुड़ा था। शादी के बाद मीनाक्षी के दो बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम जोश मैसूर है, बेटी का नाम केंद्रा मैसूर है। एक समय अपनी खूबसूरती से बॉलीवुड पर राज करने वाली मीनाक्षी आज फैमिली के साथ अमेरिका में सेटल्ड है। उन्होंने वहां एक डांस स्कूल खोलकर डांस के प्रति अपने लगाव को जिंदा रखा है। आजकल जब वो भारत आती हैं या किसी इवेंट पर दिखती हैं तो लोग उनके बदले लुक के कारण उन्हें अक्सर पहचान नहीं पाते हैं, पर मीनाक्षी आज फिल्मी दुनिया से दूर अपने परिवार के साथ खुश है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अपने जमाने की एक बेहतरीन अदाकारा रही मीनाक्षी शेषाद्रे की, जिन्होंने कभी दामिनी, हीरो जैसी फिल्मों में काफी धूम मचाई है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।